दोस्तों स्वागत है आप सब भाई बहनों का आज शाम के इस वीडियो में। और आज एक बढ़िया सी खुशखबरी लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें, आप सबका जुलाई महीने का पैसा भी आपके खातों में लग गया है। लेकिन दुख की बात है कि जून महीने का जो 4500 लगा है ज्यादातर जो है जिलों में सक्सेस नहीं हुआ, देखते हैं वो कब तक होगा। लेकिन यहां पर खुशखबरी एक ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आप सब आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है जुलाई का वो आज 3 अगस्त को आपके खातों में लग गया है। सुनीता त्रिपाठी बहन महाराज जिले से, साथ ही साथ रीमा सिंह बहन जौनपुर जिले से, इनके अलावा भी बहुत से भाई बहनों ने व्हाट्सएप पर कमेंट किए हुए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं उनके, और फोटो भी आई है कि जुलाई महीने का पैसा भी आज 3 अगस्त को उनके खातों में लग गया। तो खुशखबरी की बात है, लेकिन अब देखना यह है कि यह वाला पैसा कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश में सक्सेस हो जाता है। पिछला वाला 4500 क्योंकि एक महीने से सक्सेस नहीं हुआ है, तो यह खुशखबरी कहीं पिछली बार की तरह दुखखबरी में ना बदल जाए। इसके बारे में हम लोगों को इंतजार करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा करके रखना, जुड़े रहना, जैसे ही ऐसा सक्सेस होगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के मानदेय की। यहां पर जो नई सेविका बहनें हैं उनका मानदेय वहां पर उनके खातों में नहीं जा रहा है। इनकी समस्या बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश की बहनों से भी बड़ी है। जहानाबाद से आप देखिएगा बिहार के ये बहन है, इनका यहां पर जो प्रोजेक्ट का नाम ये कुछ लिखा हुआ है और साथ ही साथ उनका आंगनबाड़ी सेंटर का भी नाम लिखा हुआ है। सेविका बहन है, इनके पैसे आप देख सकते हो खातों में सभी लगा दिए गए हैं, ये पेमेंट वगैरह इनका लगा है, बैंक को भी कर दिया गया, डिपो हेडक्वार्टर से पहले ही जारी हो चुका। और यह पैसा 27/5/2021 आप सोचिएगा पांचवें महीने से खातों में लगा है, छठा महीना, सातवां महीना और अब आठवां महीना चलने लग गया। लेकिन सत्यापन भी हो गया बिहार में नई सेविका बहनों के कागजातों का, लेकिन उनका पैसा पिछले 2-2.5 महीने से सक्सेस नहीं हुआ है। तो यह बिहार में भी समस्या है मानदेय सक्सेस ना होने की, और यहां पर बहने बिहार में भी परेशान है, उत्तर प्रदेश में भी परेशान है। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा दुखद एक समाचार आया है। माया खरे बहन है दमोह जिले से, उन्होंने एक फोटो भेजी है जिसमें आप देख सकते हो आंगनबाड़ी बहन, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया, मौके पर डेथ हो गई और बहन बेचारी बॉडी के पास में बैठ करके रो रही है। आप देख लीजिएगा ये तेंदुखेड़ा पड़ता है, वहीं से खबर आ रही है, दो बाइक आमने सामने लड़ गई थी। ये तारादेही रोड वहां पर पड़ती है, विश्वकर्मा मंदिर है वहीं के सामने, दो बाइकें आपस में भिड़ गई जिसमें संतोष जो व्यक्ति है जो कि आंगनबाड़ी हमारी बहन के पति थे जिनकी डेथ हो गई है। और यहां पर पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को भेजा भी गया है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें शासकीय कार्य से खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लेकर के उनके पति बहन को आए थे। बताओ आंगनबाड़ी बहने बेचारी विभागीय कामों को के लिए उनके घर वाले, उनके पति या बच्चे इधर उधर बार बार ब्लॉकों पर उनको ले जाना पड़ता है, कभी यहां मीटिंग कभी वहां मीटिंग, और इन्हीं शासकीय कामों की वजह से आज हमारी एक बहन ने अपने पति को खो दिया है। आप देख सकते हो यहां पर पेट्रोल डलवाने के लिए वो गए थे और पेट्रोल डलवा करके जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे थे वैसे ही जहां पर जो है थोड़ी सी चूक हुई और सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी और वहां पर मौके पर उनकी डेथ हो गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर अगले मैटर पर आते हैं, एक और हमारे पास मैसेज आया है। सुमन देवी बहन है जसपुर जिले से, उत्तराखंड का मामला है। उत्तराखंड में आपको बता दें मुख्यमंत्री महालक्ष्मी जो किट है वो देखिएगा यहां पर वितरित की गई है, जिनमें से हमारे पास ये हमारी बहन है सुमन बहन, उन्होंने इस मैटर को भेजा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि जयपुर वगैरह के या पूरा का पूरा उधम सिंह नगर जयपुर सुमन देवी बहन वहां से है और उन्होंने वितरण वगैरह करवाया है, वहां से देखिएगा काफी लोग भी हैं, भीड़ भी है, बहन ने फोटो भेजी और साथ ही साथ ये जो किट है उनके वहां लाभार्थी को दी जा रही है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। महालक्ष्मी किट के बारे में पहले ही ऑल इंडिया ने चैनल पर सब बता रखा है, जिन्होंने ना देखा हो तो आपकी गलती है, वीडियो को पुराने वीडियो को देखें। अब बात करते हैं यहां पर अगले मैटर पर आते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये एक और सरकारी आदेश हमारे पास पहुंचा है जो कि बिहार सरकार का है। बिहार में जैसा कि मैंने कहा मानदेय में लापरवाहियां हो रही हैं जो नई सेविका बहन है उसी से जुड़ा हुआ मैटर है बिहार सरकार का, और 2 अगस्त को बिहार में जारी हुआ निदेशक महोदय ने जारी किया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, यानी पूरे बिहार में जहां कहीं भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है वहां पर हो जाए। और पहली बात मैटर यहां पर यह है कि सत्यापन होने के बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया सेविका सहायिका बहनों के नई वाली है उनके सत्यापन हो चुके हैं फिर भी मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, पैसे ऐसे लटके पड़े हुए। तो इस पर निदेशालय से नाराजगी जताई गई और डीपीओ से डीपीओ को लेटर में देखिए क्या कहा गया। उनका कहना है कि मानदेय भुगतान हेतु डाटा आंगन ऐप पर ससमय प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अपलोड नहीं किया जाता है, लेखा है वर्तमान समय पर मानदेय भुगतान हो रहा है किंतु पूर्व के वर्षों का लंबित बकाया मानदेय भुगतान हेतु कार्रवाई संबंधित डाटा आंगनबाड़ी ऐप पर अपलोड नहीं किया जाता है, साथ ही कार्यालय कर्मी डाटा ऑपरेटर के द्वारा सेविका सहायिकाओं को परेशान किया जाता है। ये सभी समस्याएं हैं बहनों की जिनको लेकर के निदेशालय को अवगत कराया गया है। तो सेविका
सहायिका बहनों के सत्यापन हो गए नए वालों का, लेकिन उनका मानदेय का भुगतान बिहार में नहीं हो रहा है, इसलिए शिकायतें निदेशालय को गई है, जिस पर बोला गया कि जो है बैठक करके अपने जिला अंतर्गत सभी परियोजनाओं में बकाया जो भी मानदेय भुगतान है उनकी समीक्षा करें। कौन करेगा? यहां पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी करेंगे। साथ ही जो सहायिका सेविका ये मिनी बहनें हैं उनका प्रमाण पत्र सत्यापन का जो भी हो चुका है उनका मानदेय भुगतान संबंधित कार्रवाई जो है आंगन ऐप पर भी अपलोड करवाओ, ये भी बोला जा रहा है, और कर्मी पर जो यथोचित कार्रवाई भी करें। तो जो आंगन ऐप मैंने बताया जिससे मानदेय बिहार में चेक करते हैं भाई बहन, उसी ऐप पर मानदेय की विवरणी अपलोड करने के लिए भी बोलने के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें सबसे नहीं हुआ पैसा उसके बारे में भी बोला जा रहा है। बात देख सकते हो सकता है इस लेटर के बाद शायद बिहार में आंगनबाड़ी बहनों का जो लंबित मानदेय है नई सेविका बहनों का वो भी आ जाए, और जो नई पुरानी भी बहनें हैं उनका भी अगर बकाया तो उनका भी शायद आ जाए। अब ये 4 अगस्त तक बोला गया, कब तक? 4 अगस्त तक मानदेय का भुगतान हो जाना चाहिए, इसके बारे में निदेशालय से ये डीपीओ सीडीपीओ को बोला गया, जिसमें कुल कार्यरत केंद्रों की संख्या का कालम, चयनित की संख्या, सेविका सहायिका जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया उनकी संख्या, और यहां पर सत्यापन पश्चात कितने का मानदेय भुगतान हो गया उनकी संख्या, और मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण क्या है, उन सबके बारे में डीपीओ सीडीपीओ से बिहार में पूछा जा रहा है। देखते हैं इस मैटर पर कब तक जो है बहनों की समस्याओं पर विचार वहां पर किया जाता है। बात करते हैं सोनिया बहन हरियाणा राज्य से हैं, उन्होंने हरियाणा राज्य की बहनों की आवाज को उठाया है। यमुनानगर, हिसार ये जिले हैं हरियाणा के, और कैथल, ये इन सब जगह से बहनों की आवाज उठ रही है, और वहां से हमें सारे सभी वीडियो आए हैं जिनको ऑल इंडिया ने दिखाया है। पिहोवा चौक है वहां पर बहनों ने जाम लगा दिया था, और तहसीलदार की शिकायत पर प्रधान व राज्य महासचिव समेत 10 पदाधिकारियों पर केस भी दर्ज हो गए। इन सब चीजों को लेकर के अच्छा सा वीडियो डाला गया, आप लोगों से उम्मीद है उस वीडियो के मामले में कि आप लोग उनमें मदद करें एक दूसरे बहनों की, जो भी ऑल इंडिया पर आता है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी ही आवाज उठे, आपकी जो समस्याएं हैं चाहे किसी भी राज्य से उठे हैं तो आंगनबाड़ी बहनों की ही समस्याएं, और अगर आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं उठती हैं तो शायद राज्य सरकारें ना ध्यान दें तो शायद केंद्र सरकारें ही कुछ ना कुछ फैसले ले लें। सड़क पर जाम लगाकर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने की है सरकार के विरुद्ध नारेबाजी, 9वें दिन भी सरकार के खिलाफ गर्जी है आंगनबाड़ी बहनें। ये हरियाणा की आंगनबाड़ी बहनों की जो आप जो खबरें देख रहे हो ये अखबारों में भी वहां पर छप रही है, लेकिन आज हम तक जो पहुंचा है मामला वो सोनिया बहन हरियाणा से है, उन्होंने मैटर पहुंचाया है। इनके अलावा बात करते हैं, एक और मैटर आया था नीरज गुप्ता जी हैं बदायूं से, उन्होंने यानी हमारी बहन है नीरज गुप्ता, उन्होंने मैटर भेजा है कि उनके वहां पर दाल के 7 पैकेट 1 किलो के बिल्कुल सड़े हुए निकले हैं। बदायूं जनपद के विलसी तहसील के सीरा सोल गांव है, वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है नीरज गुप्ता, उनके ही केंद्र का यह मामला है कि उनके वहां पर 7 दाल के पैकेट सड़े हुए मिले हैं। ये सड़े हुए दाल के पैकेट जो है देना बंद नहीं हो रहे हैं, ना ही निदेशालय से कोई कार्रवाई, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान, कुपोषण पर आप देख रहे हो जंग जीत रहे उत्तर प्रदेश वाले। अब देख सकते हो सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में ही है। यहां पर आप देख सकते हो अमृता सिंह बहन कासगंज से, उन्होंने एक फोटो भेजी, उनके साथ साथ उन्होंने कई वीडियो भी भेजे हैं, और साथ ही साथ वीडियो बना करके 3 मिनट का भेजा था जिसमें उन्होंने समझाया है यहां पर जो 6 मास तक के जो शिशु होते हैं उनको केवल स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो अच्छा था, लेकिन वीडियो में पीछे जो फैन लगा हुआ है वो काफी शोरगुल कर रहा है जिस वजह से आवाज साफ नहीं आ रही, इसलिए वीडियो नहीं चल रहा है, वरना आप लोगों को वीडियो भी हम दिखाते। इसमें जो जानकारी दी जा रही थी अच्छी थी, लेकिन उसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं अगले मैटर पर, सलमा बी बहन है जो कि साजापुर से है। साजापुर के मक्सी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने 0 से लेकर 10 वर्ष की जो बालिकाएं हैं सुकन्या समृद्धि योजना उनके खाते खोलने के लेकर के श्रीमती मधुबाला जी हैं, मधुबाला परमार, उन्होंने यहां पर चीजों में सहयोग किया, और यहां पर 1200 बालिकाएं वहां पर पात्र पाई गई हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को सीधा फोटो दिखाता हूं, ये वहीं से कुछ तस्वीरें, सलमा बी बहन जो साजापुर जिले से है यानी मध्य प्रदेश राज्य से वहां से आई। इनके अलावा अब ये मैटर आया सरोज शर्मा बहन जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है, इन्होंने यहां पर भेजा हुआ कि इनके यहां पर श्री सरदार सिंह जी हैं वो वहां पर पहुंचे थे, जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये नगर निगम के मेयर वगैरह हैं वहां पर गाजियाबाद में, तो उन्होंने वितरण वगैरह पोषाहार का करवाया है, अच्छी बात है। इनके अलावा एक मैटर यह है, सरोज बहन फैजाबाद से हैं, इन्होंने अपने वहां पर प्री प्राइमरी किट का जिक्र किया है, ये उनके वहां पर जो है प्री प्राइमरी के नाम पर खिलौने और किट वगैरह जो मिला है वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ बहनें हैं जैसे कुमोदनी देवी बहन है, और इनका जो है जिला भी इन्होंने बताया नहीं, तो अगली बार जिला बताएं अन्यथा आगे आपकी खबरें प्रकाशित नहीं हो पाएंगी। किरण देवी बहन है कुशीनगर से, उन्होंने फोटो भेजी है जैसा कि यहां पर देख सकते हो। मालती मिश्रा बहन है बांदा जिले से, उनका अपना कहना है कि भैया जी मेरे केंद्र में अभी तक पूरे लाभार्थियों को राशन आता था, लेकिन इस बार समूह द्वारा केवल 38 बच्चों का और जो है 22 गर्भवती का ही जो है राशन आया है, जबकि 77 बच्चों का पहले और 28 गर्भवती का पहले आता था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार अब वहां पर भी बढ़ गया। अब देखिएगा, एक और मैटर है, इंदु देवी बहन है देवरिया जिले से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है, और साथ ही साथ एक ये बहन है सुदामा बहन जो कि अमेठी जिले से, उन्होंने भी फोटो भेजी। तो आज शाम का वीडियो दोस्तों थोड़ा लेट आया है, लेकिन खबरें आप लोगों के काम की जरूर आई होंगी, उम्मीद है पसंद आया होगा, और जो धरने वाला वीडियो था हरियाणा राज्य पर आधारित उसको भी देखिए और शेयर करिए। धन्यवाद सभी भाई बहनों से, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और
सभी भाई बहन चैनल से भी जुड़े होंगे, जो ना जुड़े हों वो अब फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लें और जुड़ जरूर जाएं। जुड़ेंगे तभी तो आप खबरें सच्ची वाली पा पाएंगे जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल हमेशा देता है।